मुल्तान जिले इंतजामिया के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाना चैलेंज बन गया। हुसैन आगाही बाजार में ना लोगों ने मास्क पहना ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। तफसीलात जानते हैं जुनेद अनवर से। की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाना एक बड़ा मसला बनता नजर आ रहा है। इस वक्त हुसैन आगाही बाजार में मौजूद है जो कि मुल्तान शहर का एक बड़ा बाजार है। यहाँ पर भी हमें जो है वो कोरोना SOPs के हवाले से अमल दरामद होता कम नजर आ रहा है। ताजर हो या खरीदार हो, दोनों जानिब से जो है कोरोना SOPs की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं। इस अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएं तो बेशतर लोगों ने जो है वो मास्क जो है वो नहीं पहना हुआ, जिसकी वजह से जो मसाइल का सामना। अस्सलाम वालेकुम जी, कोरोना SOPs है, अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? तो अमल दरामद कोरोना है कहाँ? कोरोना आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो ये होएगा क्यों पहन लेंगे? कोरोना आपको पता है जुर्माना भी है? जो वो भी पता है, मास्क जमा रख रखा है, जब जरूरत होती है आते हैं लगा लेते हैं। जब कोई आता है तब लगा लेते हैं जी। ये आपको अपनी एहतियात करनी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। वो आपकी बात सही है, कोरोना है नहीं ना। अच्छा, ये तो बंदे ऐवी मार रहे हैं बिना। ये जी वो एक आम थिंकिंग है कि वो क्या मास्क जेब में मौजूद है, जब कोई अफसर आता है तब लगाया जाता है। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, मास्क तो लगाओ। लगाएंगे इंशाल्लाह, कोरोना तो वैसे वबा है तो मास्क तो लगाना चाहिए ना आप तो। कोरोना नहीं होता, वैसे वबा फैली हुई है, खाली वबा जी फैली हुई है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं किया जा रहा है आप। अनवर शुक्रिया। मुल्तान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट भी मुतहरिक। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सरदार फारूक डोगर का कहना है कि देहातों में भी कोरोना पॉलिसी पर भरपूर अमल करवाया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं अमजद मलिक से। जी बिल्कुल, कोरोना की जो तीसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और जो समाल लॉकडाउन है मुल्तान डिवीजन के अंदर लगाया गया है, तो दूसरी जानब जो इंतजामिया है लोकल गवर्नमेंट है वो भी इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए नजर आती है कि जो कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भारी भरकम जुर्माने भी किए जा रहे हैं और क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। इस मुल्तान डिवीजन में अगर बात करते हैं तो खानेवाल, बिहाड़ी, लोधरा और दीगर इलाके जो हैं वो इसमें शामिल हैं और रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी अहम इशू के हवाले से हमारे साथ बात करेंगे मुल्तान लोकल गवर्नमेंट के मुल्तान डिवीजन के डायरेक्टर फारूक डोगर साहब। बताइएगा क्या कहेंगे, अब तक कितने जुर्माने कर चुके हैं और किस तरह जो है कोरोना SOPs के ऊपर अमल कराया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी हमारे जो शेड्यूल के जो विजिट होते हैं पूरी डिवीजन के, जिसमें लोधरा, खानेवाल, मुल्तान और जो है बिहाड़ी है जी, उसमें मेरे जितने भी ऑफिसेज होते हैं हमारे DDLG साहबान, ADLG साहबान, उनको खास तौर पर ये ताकीद की जाती है कि जब भी आपने विजिट करना है और जहाँ पर आप देख रहे हैं कोरोना की कोई SOPs के खिलाफ कोई वायलेशन है तो उसकी रिपोर्ट फौरन जो है एडमिनिस्ट्रेटर साहब को करें, AC साहब को करें। AC साहबान भी हमारे फील्ड में नहीं कर रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहबान भी फील्ड में नहीं कर रहे हैं, हमारे CO साहबान भी फील्ड में नहीं कर रहे हैं और भारी तादाद में जो है वो चरवाने भी ऐड किए हैं जी। उसमें हमने अभी आपने जैसे भी रिसेंट। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं।